20 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 2 लाख का डिलीवरी एक्सपेंस कवर सिर्फ 24,000 प्रीमियम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स अपने बर्थ डिलीवरी के एक्सपेंसेस को कवर कर सकती हैं, प्रेगनेंसी से पहले उन्हें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए और कैसे वो आसानी से उस प्लान में 25,000 से 10 लाख तक के एक्सपेंसेस को कवर कर सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और लोगों को सही हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मैटरनिटी कवर लेने के लिए हेल्प करता हूं। अगर आप एक वुमेन हैं या आप किसी ऐसे न्यू कपल के लिए इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं जिसमें उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ मैटरनिटी का खर्चा भी कवर हो जाए और कम से कम वेटिंग पीरियड हो, ये वीडियो आपके लिए है। इसे लास्ट तक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एडवांस में। अब बात करेंगे न्यू कपल्स के लिए कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में मैटरनिटी कवरेज का एक स्पेशल फीचर होता है जिससे डिलीवरी का टोटल एक्सपेंसेस कवर हो जाता है। साथ में न्यू बॉर्न बेबी को भी अगर कोई खर्चा होगा, उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, वो भी कवर होगा। और लेकिन हर पॉलिसी में अलग अलग लिमिट होता है डिलीवरी का और न्यू बॉर्न बेबी का। कुछ वेटिंग पीरियड भी होता है, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 4 साल। और यानी कि गर्भावस्था होने से पहले बीमा यह एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जो प्रेग्नेंट वुमेन को उनके डिलीवरी एक्सपेंसेस से बचाने में मदद करता है। इसके लिए सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यह प्लान आपके मैटरनिटी एक्सपेंसेस जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, डॉक्टर फीस, मेडिसिन या सीजेरियन सेक्शंस या नॉर्मल डिलीवरी की कॉस्ट को कवर करता है, जो जनरली आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आज कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो कोई भी कंपनी मैटरनिटी कवर वाला इंश्योरेंस कवर नहीं देती है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का कोई भी मैटरनिटी कवर वाले प्लान सिर्फ और सिर्फ कपल्स को, उन्हीं लेडीज को मिलते हैं जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मैटरनिटी इंश्योरेंस लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी और कंडीशंस होती है जिसके लिए आपको फुलफिल करना जरूरी होगा। पहली कंडीशन क्या है, आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आपको मैटरनिटी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इसलिए प्रेगनेंसी से पहले ही इस इंश्योरेंस को लिया जा सकता है, इससे पहले इसके बाद नहीं ले सकते हैं। थर्ड कंडीशन, सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक वेटिंग पीरियड होता है जिसका मतलब है कि आपको पॉलिसी को परचेज करने के बाद कुछ महीने तक, कुछ साल तक वेट करना पड़ सकता है, तब जाकर आप मैटरनिटी बेनिफिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मिनिमम वेटिंग पीरियड होता है मैटरनिटी प्लान में 9 मंथ्स का, किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का, किसी में 3 साल, 4 साल और 6 साल तक भी होता है। ये आपको देखना है पॉलिसी लेने से पहले। लेकिन ये सभी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस आपकी सिलेक्टेड कंपनीज के पॉलिसीज पर डिपेंड करती है, इसलिए आप अपनी स्पेसिफिक एज के लिए पॉलिसी टर्म्स चेक करें या हम जैसे एक्सपर्ट से डिस्कस करें, कंसल्ट करें। हाउ टू सिलेक्ट राइट प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सही मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान कैसे चुने। यहां बहुत जरूरी है कि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से प्लान को चुने। पॉलिसी सिलेक्ट करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। फर्स्ट इज क्लेम प्रोसेस। किसी भी कंपनी का मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान लेते समय उसके क्लेम प्रोसेस रेशो और उसका क्लेम रेशो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कंपनी कैसे क्लेम प्रोवाइड करती है और कितनी जल्दी प्रोवाइड करती है, आपको क्लेम करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किस तरह का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड इज कॉस्ट कंसिडरेशन। मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान में कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज आपको आपकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के अकॉर्डिंग 25,000 से 10 लाख तक की कवरेज प्रोवाइड कर सकती है, और सभी मैटरनिटी प्लान्स के प्रीमियम भी उनके कवरेज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको देखना है आपके बजट में क्या आता है। और थर्ड इज कवरेज डिटेल्स, यानी कि कोई भी प्लान लेते समय ये बहुत जरूरी है पॉइंट है जिसमें आपको यह ध्यान रखना है, चेक करना है कि पर्टिकुलर प्लान में यहाँ आपका सिलेक्टेड प्लान मैटरनिटी के किन किन एक्सपेंसेस को कवर करता है, जैसे सिर्फ डिलीवरी एक्सपेंसेस को कवर करता है या साथ में न्यू बॉर्न को भी कवर करता है कि नहीं, एक्सपेंसेस को भी कवर करता है कि नहीं, और कितने अमाउंट तक करता है, ये भी देखना समझना जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी
किसी भी इंश्योरेंस प्लान को लेते समय सभी पॉइंट्स को अच्छे से चेक करना और किसी भी प्लान को फाइनल सिलेक्ट करने से पहले हम जैसे एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेना, क्योंकि एक्सपर्ट आपकी जरूरतों को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद आपके लिए एक सही प्लान प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली मिलती रहे। आपका दोस्त, नमस्कार।